तो यहाँ पर इंडिया में कुछ न्यू अपडेट्स देखने मिले जिसमें इनहेंस एडिशन के और कुछ न्यू अपडेट्स मिले। कौन से वो डिवाइस आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो वो मैं आप लोग यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ डिवाइस को अदर कंट्री में अपडेट मिले, इंडिया में वही अपडेट देखने मिले, कौन सा वो डिवाइस है वो भी मैं आप लोग यहाँ पर बताने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की बात करो Redmi Note 8, तो Redmi Note 8 के लिए फाइनल ग्लोबल साइड में पब्लिक यूजर के लिए MIUI 12.5 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। MIUI 12.5.1.0 बिल्ड नंबर देखने मिलता है, 1.1 GB की साइज मिलती है और यहाँ पर आपको इनहेंस एडिशन का अपडेट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ये जो अपडेट है ये पब्लिकली रोल आउट किया गया है, तो जिन लोगों को अपडेट मिल गया काफी अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप लोग 2 या 3 दिन का वेट करो, आप लोग के लिए फिर से अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा एनी टाइम। और इसकी जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स की न्यूज़ और लिंक्स वगैरह पाने के लिए, और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कोई भी न्यूज़ पता चलती रहेगी। और इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसके फुल चेंजलों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो MIUI 12.5 का जो इनहेंस एडिशन का अपडेट है, काफ़ी सारे चेंज लोग देखने के लिए मिलते हैं। अक्टूबर 21 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, काफ़ी सारे न्यू एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा चेंज लोग देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करो तो जिनके पास Poco F3 GT का डिवाइस है, इंडिया की बात करो गाइस, यहाँ पर तो इंडिया में भी ये अपडेट देखने के लिए मिला है। एक न्यू अपडेट है जो कि इनहेंस एडिशन का अपडेट है Poco F3 GT के लिए रिलीज किया गया है। ये अपडेट अभी पार्शियली रिलीज किया गया, आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5.7.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर है, 2.7 GB की साइज है और यहाँ पर आपको इनहेंस एडिशन अपडेट के फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर इसको पार्शियली रिलीज किया गया, जिन लोगों को मिल गया काफी अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला थोड़ा सा इंतजार करो, आने वाले समय में जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और Redmi Note 8 के लिए भी जो इनहेंस एडिशन का अपडेट मिला है वो ग्लोबल यूजर के लिए मिला है। इंडिया में जिनके पास ग्लोबल वेरिएंट है आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, जिनके पास इंडियन वेरिएंट है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, आई बटन में आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर जिनके पास Redmi Note 10 Pro का ग्लोबल वेरिएंट है तो यहाँ पर उनके लिए एक न्यू अपडेट मिला है MIUI 12.5.9.0 का, जो कि इनहेंस एडिशन का एक न्यू अपडेट है। तो जिनको नहीं मिला आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अगर नहीं मिलता तो आप लोग 2 या 3 दिन का वेट करो, आप लोग को फिर से अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइज अगर बात करूँ Redmi Note 10S की, क्योंकि काफी जगह मेरे पर कमेंट्स आते हैं Redmi Note 10S के बारे में, बताओ इंडिया में कब तक न्यू अपडेट देखने के लिए मिलेगा। फाइनली यहाँ पर Redmi Note 10S के लिए MIUI 12.5 का इनहेंस एडिशन का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन का अपडेट है, MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन के सारे फीचर्स देखने मिले हैं, लेटेस्ट बिल्ड नंबर है, MIUI 12.5.5.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर है और एंड्रॉइड 11 अपडेट देखने के मिलता है। हालांकि ये अपडेट ग्लोबल साइड में रिलीज किया गया, अब यहाँ पर ग्लोबल साइड में अपडेट हो चुका है तो आप लोग को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट सभी जगह आप मिलना स्टार्ट हो गए तो इंडिया में भी अपडेट बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है। और कब तक रोल आउट होगा तो उसके लिए आपको जनवरी के मंथ का वेट करना पड़ेगा, दिसंबर एंड या फिर जनवरी के मिड जनवरी से पहले Redmi Note 10S में भी इंडिया में इनहेंस एडिशन का अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनके पास Redmi Note 10S का डिवाइस है थोड़ा सा और इंतजार करो, आप लोग के लिए भी इनहेंस एडिशन का अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर काफी जगह मेरे पर कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर Redmi 9 Power में अभी तक अपडेट नहीं मिला, तो गाइस थोड़ा सा इंतजार करो, इस वीक में डेफिनेटली आप लोग को Redmi 9 Power में इनहेंस एडिशन का अपडेट सभी पब्लिक यूजर के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ पब्लिक रोल आउट की, पब्लिक रोल आउट यूजर के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा Redmi 9 Power में इस वीक में। थोड़ा सा आप लोग वेट करो, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है गाइस, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको प्रेस करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है उसको ऑल पे पिक करके रख लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जैसे ही अपडेट आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, अपडेट मिस नहीं होगा।